हेलो दोस्तों, स्टडी विद राघवेंद्र सर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आ जाइए और चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख मेलों की। ओके, तो आज का आपका जो टॉपिक रहेगा बेटा वो रहेगा मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले, ठीक है ना। और सबसे पहले मेलों की चर्चा करते हैं दोस्तों, याद रखना जो सबसे पहला आज मेला पड़ेंगे अपन लोग नंबर एक पर, उस मेले का नाम होगा दोस्त क्या, नांगा जी का मेला। कौन सा मेला बेटा? नांगा जी का मेला। बहुत ही सिलेक्टेड और बहुत ही याद रखना अच्छा मेला है नांगा जी का मेला, जो कि दोस्त याद रखना कहाँ लगता है सबसे पहले, तो ये लगता है दोस्त मुरैना जिले के, किस जिले के बेटा? मुरैना जिले के पुरसा तहसील में। कौन सी तहसील में लगता है बेटा? पुरसा तहसील में लगता है। अब जब भी कभी आप मुरैना जिले की पुरसा तहसील में जाएं तो याद रखना, कब जाएं बेटा? याद रखना नवंबर और दिसंबर में। कब जाएं? नवंबर या दिसंबर में जाएं, अर्थात कि अगहन माह में। इसमें अगहन माह में जाएं तो आप इस मेले का लुत्फ उठा सकते हैं, इस मेले की संस्कृति और सभ्यता को देख सकते हैं। आइए चर्चा करते हैं इस मेले की विशेषता क्या है और ये नांगा जी कौन थे। तो नांगा जी याद रखना, नांगा जी एक बहुत बड़े क्या थे बेटा? संत थे। नांगा जी एक बहुत बड़े क्या थे? संत थे, जो कि याद रखना किसके समकालीन संत थे बेटा? अकबर के समकालीन संत थे। किसके समकालीन? अकबर के समकालीन, यानी अकबर के समय ये क्या थे बेटा? संत थे, राइट। और ये इतने प्रसिद्ध और विख्यात संत हो चुके थे कि अकबर के समकालीन से ही दोस्त याद रखना सम्राट अकबर द्वारा इन्हीं के नाम से यहाँ पर नांगा जी का मेला चालू करवाया गया था, नांगा जी का मेला चालू करवाया गया था, राइट। और उस समय ये जो मेला लगता था याद रखना, यह मेला किसके लिए लगता बेटा था? स्पेशल ये मेला लगता था बंदरों के लिए। उस समय ये बंदरों के बिक्री के लिए यह मेला लगाया गया था अकबर के समकालीन। लेकिन वर्तमान में याद रखना दोस्त अच्छे से, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, वर्तमान में है घरेलू पशुओं के लिए। किसके लिए दोस्त? घरेलू पशुओं के लिए यह मेले का क्या हो रहा है, आयोजन होता है, घरेलू पशुओं को इस मेले में बेचा जाता है। तो नांगा जी का मेला जो कि मुरैना जिले की पुरसा तहसील में लगता है, कब लगता है? नवंबर और दिसंबर में, हिंदी की अगहन माह में लगता है। और यह मेला कब से चालू हुआ? तो अकबर के समकालीन मेला चालू बताया जाता है। उस मेले की विशेषता क्या है दोस्त? इस मेले में पहले बंदर बेचे जाते थे, वर्तमान में इस मेले में घरेलू पशु बेचे जाते हैं। सो ये था बेटा नांगा जी का मेला। जय हिंद, जय भारत।